नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज का वीडियो बड़ा ही खास और अहम है दोस्तों। इसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 75 का सॉल्यूशन किया है, टिपिकल अप्रोच टू जनरल इंग्लिश की बुक। ठीक है, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, जिसमें आपका कम से कम समय लगे इसे समझने में, इसमें दो चीजों को मैंने अंडरलाइन किया है। नंबर वन, उन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को जिसकी वजह से सेंटेंस में करेक्शन होगा, और उस पार्ट को भी अंडरलाइन किया है और उस पार्ट को ब्लू कलर से लिखा है जो हमें चेंज करना है। इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें अपना सबसे फेवरेट एजुकेशनल चैनल संजीव गोस्वामी। आइए शुरू करते हैं। द मदर विद हर डॉटर्स हैव कम, ध्यान देंगे विद लगा है, तो मदर अपनी बेटियों के साथ आ चुकी है, क्योंकि सब्जेक्ट तो है मदर यानी कि सिंगुलर। तो यहां नंबर टू, द कंपनी आर अंडर द कमांड ऑफ मेजर करियप्पा, मेजर करियप्पा के आदेशों के अंतर्गत काम कर रही है कंपनी, जो कि एक बचन यानी कि सिंगुलर नंबर, तो यहां पर आएगा इज। नंबर थर्ड, योर कार एज वेल एज माइन आर एट द डोर, तुम्हारी गाड़ी और साथ ही साथ मेरी गाड़ी, एज वेल एज होने पर हमेशा ध्यान देंगे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो आर की जगह पर यहां हम यूज करेंगे इज का। नेक्स्ट है, नीदर आई नॉर ही वर ट्रेंड, ना तो मैं और ना वह ट्रेंड हुए, तो नीदर नॉर के बाद जो बाद में सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो यहां आएगा वाज। नेक्स्ट, ईच ऑफ द सिस्टर्स आर क्लेवर, सेंटेंस ईच या एवरी से स्टार्ट होता है तो हमेशा सिमिलर वर्ब लगाएंगे, तो यहां आ जाएगा इज। नेक्स्ट देखेंगे, द मोब वर डिस्पर्स, मोब भीड़ है जो कि एक वचन है, तो यहां वर की जगह पर आएगा वाज। डिस्पर्स कर दी गई यानी भीड़ को तितर बितर कर दिया गया, यानी कि एक वचन। द मीटिंग हैव चूजन अ प्रेसिडेंट, जो मीटिंग हुई उसने अपना प्रेसिडेंट या अध्यक्ष चुन लिया, तो मीटिंग सिमिलर नंबर है इसलिए इसके साथ आना चाहिए। The great poet and novelist are dead. इसमें आर्टिकल का बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ग्रेट से पहले द आया लेकिन नॉवेलिस्ट से पहले नहीं आया, तो इसका मतलब यहाँ पर किसी एक के बारे में बात हो रही है। जब एक के बारे में बात हो रही है तो वर्ब भी हम सिंगुलर ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है, ईच ऑफ द बॉयज हैव बीन रिवॉर्डेड, लड़कों में से प्रत्येक, फिर एक बार ईच आया है तो ईच और एवरी जब जब आएगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। 3 tons of tin cost 600 rupees. 3 tons, अक्सर हम यहाँ पर 3 देख रहे हैं लेकिन सब्जेक्ट 3 नहीं है, 3 है यानी कि धातु जो कि एक वचन, तो कॉस्ट की जगह हो जाएगा costs. तो 3 टन, 3 की कीमत है कितनी, 600 रुपया। Each of the suspected men were arrested. हम मैन को देख रहे हैं, मैन नहीं देखेंगे ईच देखेंगे, और एक बार फिर वर की जगह पर हम वाज का यूज करेंगे। लास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, 50 रुपीज आर टू मच फॉर दिस आर्टिकल, 50 रुपए की रकम है तो 50, लेकिन चूंकि रकम है और दिस एक आर्टिकल एक वस्तु के लिए है इसलिए सिंगुलर इसे कंसीडर करेंगे और आर की जगह पर इज करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स तो सुपर लाइक करें। बाय।